दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में मेटासोन एफ क्रीम के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम काम आती है, किस तरह से लगाई जाती है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, सावधानी क्या है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा, देखिए मेटासोन एफ क्रीम एक ब्रांड नेम है टैलेंट इंडिया कंपनी का। टैलेंट इंडिया कंपनी बनाती है, लगभग हर दवाई की दुकान पर ये आसानी से मिल जाती है। दोस्तों इसको स्किन स्पेशलिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज नहीं करना है। बात करें अगर इसकी यूज की, तो ये फेस पे होने वाली एक्नी प्रॉब्लम में यूज की जाती है। कई बार फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी प्रॉब्लम हो जाती है, दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण भी कील मुहासे बनने लगते हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड जैसे कील मुहासे आने लगते हैं, निशान रह जाता है, स्किन गलने लगती है। तो उस कंडीशन में ये दी जाती है निशान को हटाने के लिए, कील मुहासों को रिमूव करने के लिए, स्किन को लाइट करने के लिए, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। बात करें किस तरह से काम करती है, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं दो सॉल्ट, पहला है फ्यूसिडिक एसिड और दूसरा है मोमेटासोन। फ्यूसिडिक एसिड दोस्तों एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया किलर है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, साथ ही साथ उनकी ग्रोथ को रोकता है, जिससे कि इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ पाता और प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। मोमेटासोन दोस्तों फ्यूसिडिक एसिड को एक पावर प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो बैक्टीरिया से आसानी से लड़ सके और प्रॉब्लम को ठीक कर सके। साथ ही साथ दोस्तों ये सूजन को कम करता है, मोमेटासोन खुजली को, रेडनेस को कम करता है, निशान को हटाने में भी काम आता है। तो ये एस्टेरॉइड है, इस तरीके से दोनों सॉल्ट मिलकर काम करते हैं एक्नी प्रॉब्लम में। डोज की बात करें कितनी बार लगाएं, किस तरह से लगाएं, तो आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं चेहरे को वॉश करने के बाद, ठीक है। उतनी एरिया में लगाना है जितने एरिया में प्रॉब्लम है, बाकी सेफ एरिया में नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों लगाने के बाद 4-5 घंटे तक लगाई रखनी है, उसके बाद आप चाहे तो चेहरे को वॉश कर सकते हैं। साइड इफेक्ट अगर जाने तो थोड़े बहुत हो सकते हैं, जैसे कि इचिंग चलना, जलन होना, कील मुहासे बढ़ जाना, स्किन लाल हो जाना, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम चांस में होते हैं, घबराने की बात नहीं है। सावधानी में यही कहूँगा कि डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर की सलाह से यूज़ करना है, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। दोस्तों लगाने के बाद बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट अगर हो भी जाए तो तुरंत इसका यूज़ करना बंद कर दीजिएगा, डॉक्टर को जरूर बताइएगा। तो ये था संपूर्ण रिव्यू, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कुछ भी समझ में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में।